हेलो डियर ऑल, हाउ आर यू? सो वेलकम वंस अगेन। एंड आज हम लोग एग्जैक्टली वही सीरीज जो असम से रिलेटेड ऑल ओवर इंडिया टूर देख रहे थे। ऑल इंडिया टूर का मीन ये है कि हम लोग वन बाय वन सारे स्टेट्स को ट्रेवल करेंगे, और एनटीएससी स्टेज वन में मैथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे स्टेट्स में, उन सारे में जितने भी टॉप लेवल का क्वेश्चंस होगा उन सारे का मैं डिस्कशंस कराऊंगा यहाँ पे। और उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट सेट के लिए रहा तो वो भी मैं करूंगा, ठीक है? तो ये जो सीरीज है हम लोग आसाम की लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं, क्योंकि इसके जस्ट पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें आसाम 1 और उसमें मैं 1 से लेकर 20 टॉप 20 क्वेश्चंस मैं डिस्कस किया हूं, और काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, बहुत लेवल वाले क्वेश्चंस थे। अक्सर बच्चे जो मिस्टेक किया करते हैं उनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। आज की जो जर्नी होगी वो हमारे 21st क्वेश्चन से स्टार्ट होगी, और उसके बाद हम लोग आज ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन तक तो करने वाले हैं, बट अच्छे तरीके से। बट स्टार्ट करने से पहले मैं सारे स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि ये जो अभी लेक्चर है इसमें जैसे ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएंगे आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल वीडियो को पॉज करना। सबसे पहले आप अपने पास एक नोटबुक रखना जिसमें क्वेश्चन नंबर वाइज आप पहले मेंशन कर देना, और जो भी आपकी आंसर होगी वो आप लिख देना, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चंस को कर कैसे रहा हूं, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी मैं डिस्कशन साथ में करते जा रहा हूं। तो मान लो सपोज करो आपकी आंसर्स ए आई, बट मैंने जो बताया वो आंसर बी है, तो भाई आपकी तो गलत हो गई। उस तरह से आप लोग करना, ब्लाइंडली वीडियो मत वॉच करना, ठीक है? अगर आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ जुड़े हो तो एग्जैक्टली आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एंड एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा तभी तो आपको एनटीएससी की स्कॉलरशिप मिलेगा, है ना? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब में आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, कॉन्सेंट्रेशन के साथ विथ 100% एफिशिएंसी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अब एग्जैक्टली आप जिस जोन में हो, आप जहां पे भी हो, तो इसमें अभी हो क्या रहा है कि जितने भी लेक्चर्स हैं, आप वीडियोज हो हैं, वो आप ऑनलाइन देख रहे हो, मोबाइल में भी देख रहे हो, तो बात यह है कि बहुत सारे वीडियोज हैं, आपको पार्टिकुलर एक अच्छे से वीडियो का सिलेक्शन करना पड़ेगा, एक अच्छे टीचर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे जैसे वो बोल रहे हैं बिल्कुल उन्हें फॉलो तो करना पड़ेगा ना। तो जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, और जो वीडियो ये फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कि एक बार मेरे साथ बनो, मैं क्या पढ़ा रहा हूं उसे एक बार आप देखो, होल लेक्चर को आप देखो, उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ वैसा कंडीशंस हुआ जो आपको समझ नहीं आती है तो कमेंट करो, आई एम ऑलवेज विद यू, ठीक है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये है 20 नंबर तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, 21st नंबर की क्वेश्चंस जिसमें है एग्जैक्टली ऑड न्यूमरल पेयर आपको ढूंढने हैं। जैसे ये 4 का रिलेशन 19 के साथ है, अब कैसे रिलेशन आई डोंट नो, कुछ ना कुछ रहा होगा। इन सिमिलर वे 7 का रिलेशन किसके साथ आप करोगे, जैसे मैं अगर लिख दिया यहाँ पे 2 और 18, तो आप बोलोगे सर इसका आई थिंक 9 टाइम्स है, और मैं यहाँ पे लिख दिया 3 और व्हाट, ठीक है? तो आप देखो कि अगर ये 9 टाइम्स है तो इसे भी 9 टाइम्स होना पड़ेगा, एंड योर आंसर विल बी 27। इन सिमिलर वे ऐसे ही आपको करना है, ये अगर 4 है ये 19 है तो ये 7 का क्या होगा, सोचो। मैं थोड़े से रुक जाता हूं, आप वीडियो को पॉज करो और आप अपने आंसर्स को क्लैरिफाई करना कि आपके आंसर्स क्या है। चलिए फटाफट, बहुत सारे तरीके हैं। कोई बच्चा क्या करेगा कि सर ये 4 × 5 कर देगा तो सर 20 है और -1, ये बच्चा एक सोच सकता है कि सर 4 × 5 - 1। दूसरा बच्चा ये करेगा कि हाँ अगर ये सीरीज है तो 7 × 5 - 1 करो तो 34, और आपके पास तो आंसर ही नहीं है भाई, नन ऑफ दीज भी नहीं है। तो आपकी जो लॉजिक थी ना वो थोड़ी सी गड़बड़ थी, कहां पे गड़बड़ थी वो सचो। ये (5 - 1) यहां भी आपने किया, (5 - 1) यहां भी किया, बट आपकी आंसर नहीं आई। एक चीज और देखो, ये 4 है इससे +1 किया तो 5 से मल्टीप्लाई करके -1 किया, तो क्या मैं 7 को (5) से नहीं, एक अगर ऐड करे तो 7 × 8 और -1 करके देखता हूं, 7 × 8 = 56 और 56 - 1 = 55, OMG। OMG, ये तो OMG हो गया, ओ माय गॉड, है ना?
बच्चे क्या किए कि 4 × 5 − 1 कर दिए और यहां भी 5 − 1 कर रहे हैं, उनके आंसर आ ही नहीं रही है। लेकिन लॉजिक तो यह था कि 4 का + 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5 − 1। अगर यहां पर 7 है तो 7 को + 1 करो तो 8 − 1, तो 7 × 8 − 1। मैंने अभी बताया था ना, अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसके लॉजिक्स आपको। और अगर ये सोचोगे सर आपने ये लॉजिक कहां से लाया, सर एट ए टाइम आपने ऐसे कैसे कर दिया, तो भाई ये प्रैक्टिस से हुआ है ऐसा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो ना, अगर आप मेरे साथ जुड़े हो, अगर सारे स्टेट्स के एटलीस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए ना, तो उसमें आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएंगी, आप क्वेश्चंस को देखते ही बता दोगे। अगर मैं आपसे पूछा कि 2 + 24 कितने होते हैं, आप बोलोगे सर 26, वो भी बहुत फास्ट। क्यों? क्योंकि आपने इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है, ठीक है, बहुत सारे एडिशन आपने किए हैं और कुछ नहीं है। अगर एक स्टार्टिंग जो नर्सरी क्लास के बच्चा है उससे अगर आप ये पूछोगे तो वो कंफ्यूज्ड होगा, है ना। तो जस्ट अगर आप न्यू हो तो आपको ऐसा ही लगेगा, लेकिन अगर आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर ली हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, तो आपको एग्जैक्टली ये भी 24 + 2 = 26 की तरह ही दिखेगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रही आपके स्क्रीन पे और फटाफट मुझे बताना इसके आंसर। 82 रिलेटेड टू 9, इन दैट वे 26 रिलेटेड टू व्हाट। चलिए ये बहुत सिंपल है, दिखने से ही पता चल रहा है कि बहुत सिंपल है। सोचो भाई, ये अगर मैं देखूं तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 के स्क्वायर 81 और उसमें 1 को ऐड किया है। ये जैसे ही 26 दिख रहा है तो आप 5 सोचोगे, क्योंकि 5 की जो स्क्वायर होती है ना वो 25 होती है, और प्लस 1 करोगे तो 26, सो 5 इज द करेक्ट आंसर। जैसे ही 9 था तो 9 × 9 = 81 दिख गया, तो 5 × 5 = 25 और प्लस 1, ऐसे होता है। चलिए इसके आंसर करना फटाफट। 5 = 9, इन दैट वे 10 = what। चलो आपकी आंसर यहां पे नहीं दिख रही होगी, मुझे मालूम है आप क्या सोच रहे होगे। आप सोच रहे होगे कि सर ये देखो ना 5 × 2 − 1 है, तो सर इसकी भी × 2 − 1 होनी चाहिए और 19 सर ऑप्शंस में कहीं है ही नहीं, सर क्वेश्चंस रॉन्ग है। नहीं भाई, कुछ तो लॉजिक रहा होगा, इतने आसानी से हार मत मानना, ठीक है, इतनी आसानी से हार मत मानना, क्योंकि लाइफ में कभी कभी देखने को कुछ मिलेगा और होगा कुछ और। 5 = 9 क्या माजरा है, और 10 = what ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है। देखो कुछ एक्स्ट्रा सोचो, और सोचोगे तो बिल्कुल मिलेगा आपको। एक चीज यहां पे देखो सर, अगर ये 5 है तो 2 का स्क्वायर सोचो, और 2 का स्क्वायर प्लस 1, देखो मैं सोच कैसे रहा हूं, 2 का स्क्वायर + 1 = 5, और इस चीज को देखूं तो 2 का³ + 1 है। मतलब एक रिलेशन 2 से मिल रहा है कि एक बार स्क्वायर प्लस 1 करो और एक बार क्यू प्लस 1 करो, ठीक है। तो अगर मैं यहां देखूं तो ये तो 3 का² + 1 हम लोग सोच सकते हैं, तो यहां भी 3 का³ + 1 आना चाहिए, क्योंकि अगर बेस को 3 माने तो एक बार 3² + 1 कितना हो गया 10, और एक बार 3 × 3² + 1 कितना हो जाएगा 3³ + 1 = 28। क्या कहीं ऑप्शन दिख रहा है, हाँ, ऐसे करने होते हैं, कभी कभी सोचने पड़ते हैं, तो सोचना तो पड़ेगा भाई। ये मैट है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है ना, मेंटल, जिसके नाम में मेंटल हो, एग्जैक्टली मेंटल करने वाला सवाल होता है। तो थोड़े से अच्छे से आप हेल्दी फूड भी लो ताकि मेंटली आप स्ट्रांग हो, और थोड़े से कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्वेश्चंस को किया भी करो आप, और जितने भी क्वेश्चंस एटलीस्ट मैं करा रहा हूं उनकी एक अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए 24, इसके आंसर्स क्या होने वाले हैं। 18 = 30, इन दैट वे 36 = what। ये क्या है भाई, सही है, ये सिंपल है, दिख गया लॉजिक। बच्चा ये सोचेगा ना कि सर 18 से 30 की जर्नी है +12, ठीक है, तो सर यहां से +12 कर दो 48, उसे आंसर मिलेगा ही नहीं,
तो ये सोचे तो रॉन्ग है, यही होता है। अगर ये आपने सोचा तो ये रॉन्ग सोचे थे आप, कुछ और सोचना पड़ेगा। एक और तरीका, अगर ऐसे सोच लूं 18 into 2 = 36 और -6, मतलब (into 2 - 6) मैं सोचता हूं, तो इसे भी वही करके देखता हूं, 36 into 2 - 6 हो सकता है कुछ मिले, तो ये हो जाएगा 72 और 72 - 6 = 66। कहीं है क्या? यस, थोड़े इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। और ये आपका सही जवाब है। जिन बच्चों ने डी पे क्लिक किया था और डी जिन्होंने सोचा था वो एग्जैक्टली सही थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आज 8 is to 32, 10 is to what? देखो क्या होगा। अगर ये सोचोगे ना आप, सर ये 8 into 4 है, 8 × 4 = 32, तो सर 10 into 4 करो तो 40 है ही नहीं ऑप्शन में। कोई बच्चा सोचेगा, अरे यार यहां पे मैंने 4 किया तो मैं यहां पे 5 करके 50 को क्लिक कर देता हूं। कभी कभी ऐसा होता है। अब जो बंदे ने ये किया पता नहीं उनके आंसर सही है या गलत है, लेकिन ये अगर जिसने किया इंटू फोर और यहां पर इंटू फाइव, तो वो गलत किया है। हो सके अगर उनके आंसर सही हो जाए तो उनकी लक सही होगी, बट अगर इस तरीके से वो किया होगा ना बच्चे ने, तो वो तरीका गलत है। अब और भी कुछ सोचो, एक माइंड में आइडिया तो आ रहा है भाई, 8 है और 32 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और इसका जस्ट हाफ अगर कर दूं तो 32 होगा। इन दैट वे अगर 10 के स्क्वायर कर दूं तो 100 होता है, और 100 के अगर मैं हाफ कर दूं तो कितना हो जाएगा 50। और सच में उसकी लक सही थी जिसने वो लॉजिक अप्लाई किया था। एग्जैक्टली इसके आंसर डी ही है, बट ये बेस्ट लॉजिक है, जेन्युइन लॉजिक है, दोनों में सेम वे में अप्लाई हुआ, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 और 64/2, 10 के स्क्वायर 100 और 100/2, 50। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ। अब आपको याद आएंगे एसओचे, हेलो, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 एंड रूम नंबर 18, याद करो वो जर्नी, उसका अप्लाई करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे आप, या कुछ और भी सोच सकते हो इसके आंसर्स के लिए। अगर सी की पोजिशन वैल्यू देखें तो 3, एफ 6 की तरह दिख रहा है, आई क्या था, आई को स्मॉल में लिखेंगे तो 9, और L लव हो गया तो चेहरे पे 12 बचाएंगे। T पेज नंबर 16, S T जब 20 था तो S 19, V U V W, V की पोजिशन वैल्यू कितनी थी बताओ, सही है, X Y Z 24, क्लियर है भाई। यहां पे ऑड ढूंढना है, J S O T, M मीड था तो 13, पेज नंबर 16, और एस टी जब 20 था तो एस 19, ओ ए जे ओ एस ओ टी 15, आर रूम नंबर 18, यू टी जब 20 है तो 21, और एक्स कितना हो जाएगा 24। अगर आप ऐसे सोचोगे तो बहुत सिंपल वे में कर सकते हो, मैं तो लिख दिया। अब देखो 15 + 3 + 3 + 3, चलो ये सही है, यहां पे देखें तो +3 + 3 और +3 ये भी सही है, यहां पे देखें तो +3 + 3 और +3 ये भी सही है, लेकिन यहां पे 3 तो है, यहां भी 3 तो है, लेकिन यहां पे 3 नहीं +2 है। सिर्फ ये वर्ड के कारण ये ऑड हो गया और इसकी जो आंसर होगी वो बी होगी। अगर यहां पे वाई होता तो एक भी ऑप्शन सही नहीं होता, इसलिए यहां पे एक्स लिख दिया ताकि ये सीरीज ब्रेक हो जाए, बच्चे के आंसर आता है। सारे में +3 + 3 + 3 चल रहा है, बट यहां पे जो है वो +3 + 3 और +2 का, क्लियर है ना, आ गया ना काम, अल्फाबेट सीरीज। चलिए नेक्स्ट, आ जाइए फटाफट इस पे, सी जेड एच के एस ई एन ओ एक्स यू बी यू वाई डी एफ। देखो ये क्वेश्चंस का एक अलग वे है, अलग सीरीज है, मतलब अलग
क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। इस क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस के अलग तरीका थी, हमने पोजीशंस वैल्यू लिखा +3 +3 +3 का गैप था, लेकिन यहां पे अगर देखे तो कर सकते हो लेकिन वैसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां पे एक एट ए टाइम हम लोग देख सकते हैं, जानते हो क्या, सी जेड एच के ऑल लेटर्स आर डिफरेंट। देखो कितना गजब की लॉजिक है, आप कभी कभी तो ये सोच ही नहीं पाओगे, अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं और नहीं बन पाता हमसे। यहां पे ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, इसमें देखो तो एस ई एन ओ सारे के सारे लेटर्स डिफरेंट है, इसमें देखो तो वाई डी एफ पी सारे के सारे लेटर्स डिफरेंट है, बट क्या इसमें सारे के सारे लेटर डिफरेंट है क्या? यहां पे यू जो है वो 2 times आ गया है, और यही लॉजिक के कारण इसके आंसर सी हो। जो बच्चा फर्स्ट टाइम देखेगा ना इस क्वेश्चन को, वो बिल्कुल सारे की पोजीशंस वैल्यू निकालेगा और कुछ उसमें इंक्लूड करेगा कुछ रिलेशन, बट मिलने वाला नहीं है उसे कुछ, लास्ट में सोचेगा छोड़ो यार ये तो आंसर आएगा ही नहीं। लेकिन देख रहे हो ना इसकी तरीका, सारे में अलग अलग लेटर्स, लेकिन ये एक जो सी ऑप्शन है उसमें एक ही लेटर को 2 रिपीट कर दिया गया। मैं थोड़ी देर के लिए ये सोचा ना वॉवेल्स का, इसमें तो कोई वॉवेल्स ही नहीं है लेकिन इसमें 2 है, लेकिन देखा कि यहां भी 2 है, सोचा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दो ऑप्शन करने पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट। हाँ मैं वेट कर ले रहा हूं, आप नोटबुक में देख लो, आप अपने आंसर्स को लिख लो, उसके बाद मैच करना। चलिए फटाफट, इसमें भी ऑड कौन से ऑड हैं? बहुत सिंपल है यार, दिख रहा है आपको, डी इज द करेक्ट आंसर। वाई डब्ल्यू के बाद एक्स, ओ के बाद पी, एल के बाद एम, तो जी के बाद एफ कहां से आएगा? जी के बाद तो एच आता है, अगर ऐसा होता तो सही होता, लेकिन जी के बाद एफ कहां से आएगा, तो इसी के कारण ये सीरीज रॉन्ग है। सो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए फटाफट, इसके आंसर्स क्या होगी? जे ओ टी, ओ यू टी, डी ओ जी एंड डी आई एन, ये क्या है? आउट जॉट डॉग डिन, कुछ तो खास है भाई यहां पे। देखो बच्चे की तरह सोचो, ए जो थ्री 10, 15 और टी 20, चलो ओ 15, यू 21 और टी 20, डी 4, ओ 15 और जी देखो 7 की तरह, डी 4, आई 9 और एम 13, कुछ दिख रहा है क्या? यहां पे 5 है, यहां पे 6 और 1, नहीं नहीं इसमें कोई लॉजिक ही नहीं दिख रहा। ये जो आप सोच रहे हो अगर इस पे तरीका पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो गलत करोगे, और कुछ तरीका सोचो, और कुछ हो सकता है क्या? यहां पे अगर देखें तो वही हुआ, यहां पे एक सिंगल वॉवेल है, यहां भी एक सिंगल वॉवेल है, यहां भी एक सिंगल वॉवेल है, लेकिन यहां पर डबल वॉवेल है, एंड दिस इज द करेक्ट लॉजिक ड्यू टू 2 vowels। सिर्फ यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 vowels हैं, बाकी किसी में वॉवेल्स नहीं है, तो वॉवेल्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। इन सारे कॉन्सेप्ट को माइंड में मेंटेन करते जाओ, पोजिशंस वैल्यू लिखा आपने कुछ नहीं हुआ, एक में डिफरेंट लेटर्स के कारण कुछ नहीं हुआ है ना, डिफरेंट लेटर्स पे बेस्ड था, और इसमें देखे तो वॉवेल्स पे बेस्ड था। नेक्स्ट आज ये फटाफट कुछ अलग ही लॉजिक होगा, चलो ये तो सही है, इसमें कुछ खास नहीं है, दिख रहा है एफ के बाद जी और जी के बाद एच, बिल्कुल करेक्ट है, +1 +1, V के बाद यू वी डब्ल्यू और W के बाद X, चलो सही है, L L के बाद M और M के बाद N, एकदम से परफेक्ट है, लेकिन Q के बाद P कहां से आ जाएगा? R होना चाहिए था और R के बाद S होना चाहिए था, यहां पे जो सीरीज है वो P के बाद Q और O के बाद P, ये रिवर्स सीरीज है ना, रिवर्स, सारे ऐसे ऐसे चल रहे थे बट इसमें ऐसे ऐसे चलने लगा, तो रिवर्स सीरीज के कारण इसके आंसर डी हो जाएगा। मजा आया, अच्छा लगा तो लाइक करते जाना। नेक्स्ट
चूज द ऑड लेटर ग्रुप और ऑड न्यूमरल ग्रुप्स। हाँ वही सारे हैं, ऑड ही ढूंढना है यहां पे। क्या माजरा है, क्या मस्त क्वेश्चन है यार। चलो 383, 551, 242 एंड 263, क्या होगी इसके आंसर? क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे मेरे हल को मेरे भाई, कोई तो बताओ इसका हल। कैसे करें इस क्वेश्चन को? देखो एक मुझे लॉजिक काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है यहां पे, एंड आई थिंक वो सही होगा, आई थिंक वो सही होगा। 2 × 3 = 6 होता है, मतलब अगर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करूं तो आपके पास सेकंड नंबर आ रहा है। ये देखो फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू सेकंड नंबर, 2 × 3 = 6, चलो सही है। 2 × 2 = 4, बिल्कुल परफेक्ट। 5 × 1 = 5, ग्रेट, बट 3 × 3 = 9 नहीं होता है, दैट्स व्हाई योर आंसर इज ए। क्या लॉजिक है, सच में ईएमएफ है ये, बीकेजी सर का है ईएमएफ, ठीक है। जो पुराने बच्चे हैं ना उन्हें मालूम है ईएमएफ का फुल फॉर्म, तो मैं चलो इसका भी वेट करूंगा, मैं देखना चाहता हूं कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे इस ईएमएफ का जवाब देते हैं, कमेंट में मैं चेक करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए यहां पे, 8, 28, 216 और 120। हाँ यार ये तो बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन सच में देखते ही पता कर पाओगे, इट्स टू, बट फिर भी पॉज करके देख लेना आप, एकदम से दिख रहा है दिस इज द क्यूब ऑफ 2, दिस इज नॉट अ क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब है ही नहीं, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। लेकिन अगर यहां पे देखें तो ये 6 का क्यूब है, ये अगर देखें तो 5 का क्यूब है, यही एक है जो कि क्यूब नहीं है परफेक्ट बी, ये तो दिखने से ही पता चल रहा था। चलिए नेक्स्ट, हाँ आ जाओ 19, 17, 15 और 13, अगर ऐसे देखें तो +2, +2 और +2, बट ये सीरीज है नहीं कुछ, देखो यहां पे, इट्स टू सिंपल गाइज, इट्स रियली टू सिंपल। 19 odd, 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 सारे ऑड हैं, जब आपको ऑड से कुछ ना समझ में आए तो प्राइम की ओर स्विच करना, प्राइम नंबर की ओर, अगर ऑड नंबर आपकी हेल्प ना कर पाए तो आप प्राइम नंबर की ओर मूव करना, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है, इसके मोर देन टू फैक्टर्स हैं, 1 and 19 factors, 1 and 17 factors, 1 and 13 factors, बस इसकी अगर देखे तो 1, 3, 5 and 15, that's why your answer is C, ठीक है, मजा आ रहा है, जरूर बताना मुझे। नेक्स्ट 21, 69, 81 and 83, इसमें कौन सा ऑर्ड है भाई, क्या है इसमें? सिंपल 21, 69, 83, बट ये परफेक्ट स्क्वायर है, एक ऐसा नंबर है 81 जो आप 9 के स्क्वायर कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर, बाकी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं। देख रहा हूं ना, इजी था। चलिए नेक्स्ट, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आ रहे हैं अच्छे अच्छे 392, 326, 4, हाँ यार ये तो मैं जो लास्ट क्वेश्चन बताया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चंस नहीं सेम पैटर्न है, बस अगर थोड़ा सा माइंड लगा दिए तो वैसा ही होगा, वैसा ही क्वेश्चन, उसमें था 3 × 6, लास्ट दो का मल्टीपल मीड था, लेकिन इसमें स्टार्टिंग दो का लास्ट है, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड कर रहे हो ना मल्टीप्लीकेशन, तो वो थर्ड नंबर आ रहा है, जानते हो कैसे? देखो 3 × 2 = 6, 4 × 1 = 4, 2 × 4 = 8, लेकिन 3 × 9 = 2 नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या होगा? एक सीरीज आपको पता चला, एक लॉजिक मैंने बताया कि अगर अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप इस पे भी स्विच कर सकते हो। कभी कभी बच्चे जानते हो क्या करते हैं, कभी कभी बच्चे ये भी करते हैं, वो भी मैं बताता हूँ, सारे नंबर को ऐड करते हैं,
14 आ गए, यहां पे कितना आ जाएगा 18 आ गए, यहां पे क्या आ जाएगा 9 आ गए, यहां पे क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। बट यहां से आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, दो दो सेम आ गया, ठीक है। कभी कभी सारे के मल्टीप्लीकेशन करके चेकआउट करते हैं और उसमें ऑड और इवन देखते हैं, लेकिन वो तो दूर की बात थी, डायरेक्ट दिख गई कि 3 2 6, 4 1 4, 2 4 8, तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट, नंबर सीरीज की बेस्ट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाया, और ये 5 6 क्वेश्चंस होंगे ही। 7 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 19 है, देन 28, देन 39, देन यहां पे क्या होगा वो आपको बताने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगर देखें तो +5 +7 +9 +11 है ना, तो भाई आपको सीरीज मिल गई ना 5 7 9 11, तो यहां पे +13 आ जाएगा, तो 39 + 13 कितना आ जाएगा 52, एंड योर आंसर इज सी। क्लियर है, अच्छी क्वेश्चन थी। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी इजी है, 17 19 22 27 34 एंड 45, सेम। अगर यहां देखे तो +2, यहां देखे तो +3, यहां देखे तो +5, यहां देखे तो +7, यहां देखे तो +11, मतलब नॉट ऑड, ऑड नंबर की सीरीज नहीं चल रही। ये जो सीरीज चल रही है ना वो प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। देखो 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 9 नहीं आया, 11, तो नेक्स्ट 13 हो जाएगा, यानी 45 + 13 58, एंड योर आंसर इज ए। देख रहे हो ना कितने कमाल के क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट, मजा आएगा भी, बहुत सारे मजे आएंगे। आसाम सीरीज देख रहे हो, आसाम के बच्चे तो बिल्कुल हैप्पी होंगे कि उनकी सीरीज इजी है, क्वेश्चन एनटीएससी में ऐसे ही पूछे गए हैं, तो ऑलमोस्ट उनकी आंसर आ सकती है अच्छी खासी। स्टेज 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए उनके लिए, बट ईयर वाइज क्वेश्चन भी अलग होते हैं, सो रेडी रहना पड़ेगा। चलिए 2 7 28 63 126, रैपिड चेंज हो रहा, बहुत बड़े नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। मीन्स आई थिंक कि कुछ मल्टीप्लीकेशन हो रही होंगे या कुछ और सीरीज होगा। देखो यार, मुझे एक चीज दिख रहा है, 2 है, 7 है, 28 है, 63 है और 126। एक चीज देखो ना आप, ये 2 है ना, ये 7 है ना, इसके आसपास कोई क्यूब तो है, 2 का क्यूब 8 और -1, ये सोच सकते हैं। इसका भी क्यूब देखे तो 27 एक होता है, यानी कि 3 का क्यूब 27 और +1 हो रहा है। अच्छा, यहां भी देखे तो 64 होता है, यानी कि 4 का क्यूब होता है, लेकिन यहां पे एक माइनस हो रहा है। अरे वाह, तो ये भी तो 5 का क्यूब के आसपास है, तो 5 का क्यूब +1 मतलब 2 3 4 5, तो यहां पे 1 का क्यूब और +1 रहा होगा। वाओ, ग्रेट, आ गई पकड़ में, ऊंट पहाड़ के नीचे तो आई गई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब, तो नेक्स्ट जो होगा वो 6 क्यूब होगा। +1 -1 +1 -1, तो +1 यहां पे -1 हो जाएगा, और 6 के क्यूब 216 और -1 215। सी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं ना क्वेश्चंस की पैटर्न, कैसे कैसे क्वेश्चंस आई है। चलिए नेक्स्ट, क्या होगी इसके आंसर, NDIYDTYOTJ। अगर कुछ ना समझ में आए तो पोजिशंस वाली लिखो, N की 14 और D की 4, I 9 और Y 25, D की पोजिशन वैल्यू 4 और T 20, Y की पोजिशन वैल्यू 25 और O A ZO 15, T की पोजिशन वैल्यू 20 A ZO। कुछ पता चला क्या? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं पता चल रहा यार। तो एनी आइडिया, कुछ कुछ बता दो। डिफरेंस 10 का है, 16 का है, 16 का है, 10
टेन का है, टेन का है, क्या किया जाए? हाँ, कुछ बता सकते हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होमवर्क दूं आपको, मैं वेट करूं आपके आंसर्स क्या आती है। वैसे है क्वेश्चंस बहुत अच्छी, ठीक है, चलो इसे ट्राई करना आप, क्योंकि मैं सारा नहीं बता सकता, बस इतना सोचो थोड़े से माइंड वाले क्वेश्चंस है। चलिए नेक्स्ट, मैं कमेंट में वेट करूंगा उस क्वेश्चंस की। 40 नंबर, Z की पोजीशंस वैल्यू कितना हो जाएगी? 26। X की पोजीशंस वैल्यू 24। V की, T की, R, P, बहुत अच्छी है। -2, -2, -2, -2, -2, तो नेक्स्ट -2 यानी कि 14, और 14 किसकी थी? N की। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ ये लास्ट फोर क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से देखो, क्योंकि अभी हम लोग फोर क्वेश्चंस 45 तक ही करेंगे, अब ऑलमोस्ट 45 तक ही करेंगे। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं, अरेंज द आइटम इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। इसे मीनिंगफुल ऑर्डर में होना चाहिए। अगर मैं ऐसे लिख दिया ए डी एम और बी, तो ये मीनिंगफुल ऑर्डर नहीं हुआ। सबसे पहले ए आता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद डी आ जाएगा, उसके बाद एम आ जाएगा। मतलब एक सीरीज होना चाहिए, वन बाय वन ऐसे, और वही आपको फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे। तो उसी से रिलेटेड आपको बताना है इसके आंसर क्या होने वाले। चलिए फास्ट, कंसल्टेशन, इलनेस, डॉक्टर, ट्रीटमेंट और रिकवरी। सबसे पहले क्या होगा भाई? इलनेस, सबसे पहले तो आप बीमार पड़ोगे, बीमार पड़ोगे ना, तो ये आपका फर्स्ट आएगा। उसके बाद जैसे ही आप बीमार पड़ोगे तो क्या करोगे? सोचोगे कि यार मुझे ना डॉक्टर के पास जाने चाहिए, डॉक्टर के बारे में आप सोचोगे, तो ये सेकंड हो जाएगा। और डॉक्टर के पास जाओगे तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा बताओ? कंसल्ट, वो कंसल्ट करके आपको कुछ बताएगा, तो ये थर्ड हो गया। उसके बाद वो आपकी ट्रीटमेंट करेंगे फोर्थ पे, और लास्ट में आप रिकवर्ड हो गए। मतलब ऐसे सोचो कि ये सबसे लास्ट में होगा। तो भाई फाइव आने हैं तो लास्ट में इसमें टू है, ये तो हो नहीं सकता। अब ये फाइव था, देखो ऑप्शंस को यहां पे ना रिजेक्ट करने हैं। फाइव के जस्ट पहले अगर इस ऑप्शंस के देखो तो टू है। रिकवरी के जस्ट पहले इलनेस होगा क्या? नहीं, इलनेस तो सबसे पहले होगा, टू मेरा सबसे पहले होगा, तो यहां फोर है। ट्रीटमेंट कैसे पहले हो सकता है? तो यह भी नहीं होगा। अब यही दोनों में मेन था, तो इसके आंसर ये हो गए। नेक्स्ट, चलिए, कंट्री, फर्नीचर, फॉरेस्ट, वुड एंड ट्रीज, सोचो। क्या होगा, क्या होगा? देखो सबसे पहले तो वुड या फॉरेस्ट या फर्नीचर या कंट्री, ये क्या हो रहा है? क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे इसमें यार? हाँ, फॉरेस्ट, अगर नंबर वन पे फॉरेस्ट रखूं, फॉरेस्ट में क्या होगा? वुड होगा, नहीं नहीं सॉरी, फॉरेस्ट में क्या होंगे? ट्रीज होंगे, ट्रीज से क्या होंगे? वुड बनेंगे, और वुड के बाद क्या आप करोगे? फर्नीचर बनाओगे, और फर्नीचर से आप फिर कंट्री। ये हो सकता है 5 4 1 3 2, या अगर नीचे से चले तो 2 3 1 4 5, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो फिर 5 4 1 3 2, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो व्हाट टू डू, कुछ तो लोचा है इस क्वेश्चन में, ऑप्शंस में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे अगर ये देखा जाए तो इसकी एग्जैक्ट आंसर सबसे पहले क्या हो सकती है ना, देखो सबसे पहले तो फॉरेस्ट होंगे। एक मिनट, अरे वेट, सबसे पहले फॉरेस्ट यानी कि थ्री सबसे पहले आएगा, उसके बाद ट्रीज यानी कि फाइव आएगा, गलत कर दिया मैंने, उसके बाद वुड यानी कि फोर आएगा,
उसके बाद वुड के बाद फर्नीचर बनाओगे यानी कि टू आएगा, और फर्नीचर के बाद कंट्री यानी कि वन, 3 5 4 2 1 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, या तो फिर 1 2 4 5 3 कहीं दिख रहा है? नहीं, इसके ऑप्शंस कुछ रॉन्ग है। चलिए, एंड आई थिंक इसके आंसर आइदर ये या तो फिर ये होने चाहिए, या तो रिवर्स में या तो, चलो इसकी बता दो। क्वेश्चन अच्छे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आए हैं आसाम में। मदर चाइल्ड मिल्क क्राई स्माइल, भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो कर लो कम से कम, इसे तो रॉन्ग मत करना। चलिए, सबसे पहले बच्चा क्या करता है? रोने लगा। जैसे ही रोने लगा उसकी मम्मी उसे देख ली, मम्मी देखी, उन्होंने मिल्क उसे दिया। जैसे ही मिल्क दिया तो बच्चे ने स्माइल शुरू करना स्टार्ट किया, मतलब सबसे लास्ट में 5 आएगा, तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, या तो ये या तो ये। 5 के जस्ट पहले 4 होगा यानी कि मिल्क, यानी कि 3, 5 के पहले 3 आना चाहिए। तो ये देखो यहां पे, सबसे पहला चाइल्ड, देन क्राई, देन मदर, देन मिल्क, एंड आफ्टर दैट स्माइल। अच्छी क्वेश्चन। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। स्टडी, जॉब, एग्जामिनेशन, अर्न एंड अप्लाई, बहुत ही बहुत इजी है। सबसे पहले तो भाई आपको स्टडी करने होंगे, मतलब 1 लिख दो। जब स्टडी करोगे तो आप क्या करोगे? फिर स्टडी के बाद एग्जाम दोगे, आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, है ना। एग्जाम जब दे दिए तो उसके बाद आपकी, ओहो आई थिंक रॉन्ग, सही है, एग्जाम दोगे तो आपको जॉब मिलेंगे, यानी कि ये थर्ड में आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, जॉब नहीं, अर्न तो सबसे लास्ट में करोगे। देखो 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 देखो, थोड़ा जस्ट अ सेकंड, थोड़े थोड़े ऐसे क्वेश्चंस में मिस्टेक होते हैं, बट आप मिस्टेक कभी मत करना, ठीक है। इस क्वेश्चंस में देखो ना, सबसे पहले आप लास्ट में अर्न करोगे, ये लास्ट स्टेज होगा आपका, होगा कि नहीं होगा? ऐसा तो नहीं कि सबसे पहले ही अर्न करने लगोगे, आपकी लास्ट ऑप्शंस अर्न होगी, यानी लास्ट में 4 आएगा। ये और ये ऑप्शंस को हटा दो, तरीका ऐसे ही होता है सॉल्व करने का। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब यहां पर अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो अर्न के जस्ट पहले यहां पर है अप्लाई करना, और यहां पर है अर्न के जस्ट पहले जॉब। जॉब लगेगा तभी तो आप अर्न करोगे, तो 4 के जस्ट पहले 2 होगा, 4 के जस्ट पहले 2 होगा, आंसर इज डी। ऐसे चेक करते हैं। तो आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन जो आप मुझे ये बताओ, देन हम लोग इसके बाद नई सीरीज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। चलिए, 45 का ये है, कर्ड, ग्रास, बटर, मिल्क एंड काउ, क्या होगी इसका आंसर? ये सारे प्रोडक्ट हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले काउ से ही होगा, दूध से ही प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शंस 5 से होना चाहिए, 5 से। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दो तो ऐसे ही चले गए, या तो ये होगा। चलो, 5 के बाद काउ जैसे ही मिला तो काउ के बाद क्या होगा? गाय, पहले तो ग्रास खाएगी, घास खाएगी, मतलब ये, चलो दोनों में सेम है। जैसे ही ग्रास को उसने यूज किया, ग्रास के बाद वो मिल्क देगी, 4 नंबर आ गया ना यहाँ पे। ग्रास के बाद यहां पर डायरेक्ट बटर निकाल दिया जो कि रॉन्ग है। ग्रास के बाद ये मिल्क देगी, मिल्क के बाद फिर कर्ड बनेगा, और कर्ड के बाद फिर लास्ट में आपकी क्या हो जाएगी? बटर। ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे क्वेश्चंस आसाम सीरीज की, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चंस किया। अब आई थिंक इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और हम लोग देखेंगे, नहीं तो फिर नई सीरीज स्टार्ट करेंगे आसाम के बाद की, ठीक है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, अच्छे से पढ़ाई करना है। बाय बाय।